लाइन मैं बोलूंगी इस उम्मीद के साथ कि अगली पंक्ति अगली लाइन आप कहेंगे। सरफरोशी की तमन्ना, देखना है जोर कितना। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मुझे आपसे दो मिनट बात करने को मिला। कल से सामने बैठी थी, आपके भाषण के बाद मीडिया में लगातार ये कहा गया कि आपने रिटायरमेंट लेने का जो है वो फैसला किया है। मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि मैडम ने हम सबको ये कहा है कि वे ना कभी रिटायर हुई थी ना कभी रिटायर होंगी। उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हमारे साथ जैसे पिछले दो दशकों से बना हुआ है यूं ही बना रहेगा। मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने ये आज साफ किया है, और मीडिया को भी कहूंगी जो कल से आप अफवाहें फैला रहे हैं उस पर विराम लगा दीजिएगा। हमारी ताकत हमारे साथ है। भारत जोड़ो यात्रा दो मकसद से की गई। मकसद था देश को जोड़ने का और ताकत देने का। दूसरा मकसद था कि देश के वो मुद्दे जो हाशिए पर चले गए हैं उन मुद्दों को केंद्र में लाकर चर्चा कर उसके हल देना। और श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम दोनों में कामयाब हुए हैं। श्री राहुल गांधी जी ने इस उम्मीद से इन बातों को जब भारत जोड़ो यात्रा में देश के कर्ज में डूबे किसान ने, बेरोजगार युवाओं ने, महंगाई की मार झेल रही बहनों ने, आदिवासी दलितों ने, सरहदों के किसानों ने, खड़े किस हमारे जवानों ने और हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों ने रखा। राहुल गांधी जी ने संसद में इस पे सवाल पूछे लेकिन प्रधानमंत्री जी की अडानी पर चिप्पी नहीं टूटती, प्रधानमंत्री जी की बेरोजगारी महंगाई पर चुप्पी नहीं टूटी, और प्रधानमंत्री जी राहुल गांधी जी का सरनेम गांधी क्यों नेहरू क्यों नहीं पूछने लग गए। आज पंजाब में राहुल गांधी जी के दिए हुए बयान आज वायरल हो रहे हैं। पंजाब आज जल रहा है। श्री राहुल गांधी जी की कही कही एक बात सच हो रही है कि राहुल गांधी जी ने कहा था पंजाब सरहद से जुड़ा हुआ है, पंजाब एक सेंसिटिव राज्य है, पंजाब प्रयोगशाला नहीं बन सकता। बयान सिंह जी की कुर्बानी हो, इंदिरा गांधी जी की शहादत देकर पंजाब में कांग्रेस ने शांति बहाल की, आज उस शांति को एक बार फिर से खतरा पैदा हो गया है। हम राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जी को विश्वास दिलाते हैं कि इस देश की तानाशाह सरकार को हम झुका कर रहेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री मंच पर है, हम इस आधी आबादी जो महंगाई की मार झेल रही है राजस्थान के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं। देश में अगर कहीं पर भी मात्र 500 रुपए में एलपीजी गैस का सिलेंडर मिल रहा है तो वो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में मिल रहा है, बाकी जगह 1300 का सिलेंडर सब्सिडी बंद है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। हम लोग छत्तीसगढ़ के मॉडल पर हिमाचल का चुनाव जीत कर आए हैं, इसके लिए छत्तीसगढ़ की सरकार उसका मॉडल और उनको भी बधाई देना चाहती हूँ। भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस इसी जोश और जज्बे के साथ एक रहते हुए हमें इन का प्रस्ताव तो से लड़ना होगा। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ, मंच का भी जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।